हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइल्ड एजुकेशन। वाइल्ड एजुकेशन की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑल नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स ट्रिक्स के साथ। आप इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो स्टेट लेवल का हो चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो, इस टॉपिक से कम आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन जरूर आएगा। आप ये मान के चल सकते हो कि ये एक सिंगल वीडियो आपका एक नंबर सेव कर सकती है आपके एग्ज़ाम में। सो आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो भी कैंडिडेट्स किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो पहुंच सके। ये वीडियो बायलिंगुअल होगा, यानी कि जो स्क्रीन की भाषा होगी वो इंग्लिश होगी और उच्चारण हिंदी में होगा। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से समझ सकते हो। सो अब ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इंडिया में जो टोटल नेशनल पार्क्स हैं वो हैं 104। ये क्वेश्चन भी काफ़ी एग्ज़ाम में रिपीट हो चुका है, सो आपने याद रखना है इंडिया में जो टोटल नेशनल पार्क्स हैं वो हैं 104। उसके बाद आपने याद रखना है इंडिया का जो एरिया कवर किया हुआ है इन नेशनल पार्क्सों ने वो है 40,501 स्क्वायर किलोमीटर। ये टोटल एरिया कवर किया है इन नेशनल पार्क्स ने जो 104 हैं। ये इंडिया के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया के 1.23% हैं, 1.23% है जो 40,501 स्क्वायर किलोमीटर है जो इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है जो सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क्स हैं इंडिया में वो कौन सी स्टेट है, वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क्स हैं, मध्य प्रदेश में टोटल 9 नेशनल पार्क्स हैं, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश से, यानी कि जिसमें सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क्स हैं वहीं से स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने यहाँ पर जो लिखी हुई है ट्रिक वो देखनी है, उसके बाद जो नेशनल पार्क्स हैं वो यहाँ पर लिखे गए हैं। इसको मैं आपको समझाता हूँ कैसे आपने इस ट्रिक को अप्लाई करना है। सबसे पहले आपने देखना है आ गर्ल प्रियदर्शनी, सबसे पहले एक गर्ल है जिसका नाम है प्रियदर्शनी, वेंट टू सी या मूवी पन्ना, वो जाती है एक मूवी को देखने के लिए जिसका नाम है पन्ना, यानी कि एक मूवी है जिसका नाम है पन्ना, उसको देखने के लिए जाती है प्रियदर्शनी जो एक गर्ल है, लड़की है। उसके बाद किस में जाती है, ये वैन में जाती है, इन वैन। शी डाइड एमपी इज बंद, यानी कि वहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद एमपी जो है, एमपी से हमें पता चल गया कि जो हम नेशनल पार्क की ट्रिक देख रहे हैं वो किसके बारे में देख रहे हैं, मध्य प्रदेश की। उसके बाद एमपी इज बंद, बंद से बन गया हमारा बांधवगढ़ नेशनल पार्क, यानी कि प्रियदर्शनी है जो गर्ल उससे बनेगा हमारा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क। उसके बाद वेंट टू सी या मूवी पन्ना, पन्ना से क्या बन गया हमारा पन्ना नेशनल पार्क। उसके बाद वैन में जाती है, इससे बन गया हमारा वन बिहार नेशनल पार्क। उसके बाद शी डाइड एम पी इज़ बंद, यहाँ से पता चल गया कि एम पी के नेशनल पार्क्स की ट्रिक देख रहे हैं हम। उसके बाद एम पी इज़ बंद, बंद से बन गया हमारा बांधवगढ़ नेशनल पार्क। उसके बाद एंड हर मदर इज़ मैड, यानी कि जो उसकी माता है वो पागल हो जाती है, यानी कि मैड से हमारा क्या बनेगा माधव नेशनल पार्क, यहाँ से पता चल गया कि हमारा मैड से क्या बनेगा माधव नेशनल पार्क। उसके बाद संजय दत्त एंड मुकेश काना केम टू सी हर मदर, जो संजय दत्त हैं और मुकेश काना है ये आते हैं उसकी माता को देखने के लिए जो पागल हो जाती है, यानी कि यहाँ से हमें पता चल गया कि संजय से हमारा क्या बनेगा संजय नेशनल पार्क। उसके बाद मुकेश काना, काना से क्या बनेगा हमारा काना नेशनल पार्क। काना नेशनल पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में रिपीट होता है, सो याद रखना है। वो ये दोनों जो आदमी हैं वो आते हैं उसकी माता को देखने। उसके बाद हर बॉडी फायर्ड विद पेंच एंड सतपुरा हिल्स, यानी कि जिसकी मृत्यु हो चुकी है प्रियदर्शनी की, उसकी जो बॉडी है उसको जलाया जाता है सतपुरा हिल्स में पेंच के साथ, यानी कि पेंच से हमारा बन गया पेंच नेशनल पार्क। उसके बाद सतपुरा से बन गया हमारा सतपुरा नेशनल पार्क। ये टोटल जो ट्रिक है वो आपने अप्लाई करनी है। सारे के सारे जो मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क्स हैं वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। आपको इस ट्रिक को 3 से 4 बार रिपीट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको रिपीट करके दिखाता हूँ, आ गर्ल प्रियदर्शनी वेंट टू सी या मूवी पन्ना इन वैन, शी डाइड एम पी इज बंद एंड हर मदर इज मैड, संजय दत्त एंड मुकेश काना केम टू सी हर मदर, हर बॉडी फायर्ड विद पेंच एट सतपुरा हिल्स, इसको रिपीट करना है। उसके बाद जो प्रियदर्शनी है, प्रियदर्शनी नेशनल पार्क लिखना है। उसके बाद पन्ना से पन्ना लिखना है। इस तरह से आपने 3 से 4 बार रिपीट करने हैं, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा, सारे के सारे नेशनल पार्क्स आपके हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेट के देखते हैं, जो नेक्स्ट स्टेट आती है मध्य प्रदेश के बाद। उसके बाद आपसे पूछा जाता है जो मध्य प्रदेश का जो लेटेस्ट नेशनल पार्क बना है वो कौन सा है। मध्य प्रदेश का जो सबसे लेटेस्ट नेशनल पार्क बना है उसका नाम है कुन्नो नेशनल पार्क,
ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा चुका है वेरियस एग्जाम में। सो आपने याद रखना है जो कुन्नो नेशनल पार्क है ये रिसेंटली बना है मध्य प्रदेश में। इससे पहले एक ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, अब इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है। ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के लिए, सो याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट आती है हमारी उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो नेशनल पार्क हैं उसके लिए ट्रिक है हमारी राजा प्रपोज नंदा देवी। सबसे पहले हम ट्रिक को समझते हैं। राजा ने प्रपोज किया नंदा देवी को, यानी कि राजा एक लड़का है, एक नंदा देवी जो है वो लड़की है, उसको प्रपोज करता है राजा। राजा से क्या हमारा हमारा राजा जी नेशनल पार्क का। उसके बाद जो नंदा देवी है इससे क्या बना हमारा नंदा देवी नेशनल पार्क का विद फ्लावर्स, यानी कि जब एक लड़का एक लड़की को प्रपोज करेगा किसके साथ करेगा, फ्लावर्स के साथ, यानी कि फूल देके, यानी कि हमारा जो फ्लावर्स है इससे हमारा एक नेशनल पार्क बन गया जिसका नाम है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क का। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क बन जाएगा हमारा फ्लावर से। बट शी रिजेक्टेड, उसने रिजेक्ट कर दिया जो नंदा देवी थी, बिकॉज हिज बॉडी इज़ वीक, क्योंकि उसकी बॉडी जो थी वो थी वीक, यानी कि कमज़ोर थी उसकी बॉडी। उसके बाद ही गो टू जिम, वो जाता है जिम में, यानी कि जिम को ज्वाइन कर लेता है। जिम से क्या बनेगा हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का। एंड स्विमिंग इन गंगा, जो राजा जो है वो जिम ज्वाइन करता है, उसके बाद वो स्विमिंग करता है गंगा में, जो गंगा रिवर है हमारी, गंगा से बना हमारा गंगोत्री नेशनल पार्क का। उसके बाद वो जीत जाता है, यानी कि नंदा देवी को मनाने के लिए, राजी करने के लिए मना लेता है, यानी कि जीत जाता है वो अपने मिशन में। गोविंद से बनेगा हमारा गोविंद नेशनल पार्क का। ये ट्रिक है उत्तराखंड के नेशनल पार्क्स को याद करने के लिए। मैं रिपीट कर देता हूँ, राजा प्रपोज नंदा देवी, राजा से राजा नेशनल पार्क, उसके बाद नंदा देवी से नंदा देवी नेशनल पार्क विद फ्लावर्स, फ्लावर से बनेगा हमारा वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क का। बट शी रिजेक्टेड हिज बॉडी इज वीक, ही गो टू जिम, जिम से बनेगा हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। एंड स्विमिंग इन गंगा, गंगा से गंगोत्री। एंड गोविंद से गोविंद नेशनल पार्क का। उसके बाद नेक्स्ट हमारी स्टेट आती है, सबसे पहले आपने देखना है उसके बाद हेली नेशनल पार्क के बारे में। हेली नेशनल पार्क का नाम अब हो गया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का, जो इंडिया का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है बार बार कि इंडिया का जो ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है वो कौन सा है। काफ़ी बारी ऑप्शन दे देते हैं हेली नेशनल पार्क, काफ़ी बारी ऑप्शन दे देते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का। अगर तो आपको ऑप्शन है हेली नेशनल पार्क तो आपने मार्क करना हेली नेशनल पार्क, अगर आपको ऑप्शन दिया गया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क तो आपने यही मार्क करना है। आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, क्योंकि जो हेली नेशनल पार्क है इसका नाम अब चेंज हो गया है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो चुका है अब इसका प्रेजेंट में नाम। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में रिपीट होता है बार बार। आपसे पूछा जाता है जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये इंडिया की कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, उसका आंसर होगा उत्तराखंड। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी स्टेट आती है उड़ीसा। उड़ीसा में टोटल दो नेशनल पार्क है इंपॉर्टेंट जो है हमारे एग्जाम के लिए। उसके लिए जो ट्रिक है हमारी वो है भीतर आओ सिमलीपाल, भीतर आओ सिमलीपाल। भीतर का अर्थ होता है नज़दीक, यानी कि नेड़े। भीतर से बनेगा हमारा भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल से बनेगा हमारा सिमलीपाल नेशनल पार्क का। इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है, बस आपने इसको रिपीट करना है 2 से 3 बार, भीतर आओ सिमलीपाल। इससे आपके दोनों जो नेशनल पार्क हैं वो कवर हो जाएंगे, भीतरकनिका और सिमलीपाल। नेक्स्ट स्टेट आती है इंडिया की जिसमें नेशनल पार्क है वो है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के लिए हमारी जो ट्रिक है वो है सलीम एंड हेमा प्लेइंग डाची इन किश्ती। सलीम और हेमा, यानी कि दो लड़कियां हैं जिनके नाम है सलीम और हेमा, ये दोनों जो हैं वो डाची खेल रही हैं किश्ती में। सलीम से बनेगा हमारा सलीम अली नेशनल पार्क, जो हेमी हेमा है इसे बनेगा हमारा हेमीस नेशनल पार्क, डाची जो है इसे बनेगा हमारा डच्चीगम नेशनल पार्क। उसके बाद जो किश्ती है इससे बनेगा हमारा किश्तवाड़ नेशनल पार्क का। ये इंपॉर्टेंट 4 नेशनल पार्क्स हैं जम्मू एंड कश्मीर में, सलीम एंड हेमा प्लेइंग डाची इन किश्ती, सलीम अली नेशनल पार्क, हेमीस नेशनल पार्क, डच्चीगम नेशनल पार्क एंड किश्तवाड़ नेशनल पार्क का। यहीं से आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, इंडिया का जो लार्जेस्ट नेशनल पार्क है वो कौन सा है, उसका आंसर है हेमीस नेशनल पार्क का। जो हेमीस नेशनल पार्क है ये इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ये भी आपने याद रखना है, जो लोकेटेड है जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद आपने याद रखना है ये तो नेशनल पार्क है जो सलीम अली नेशनल पार्क है। अगर आपसे पूछा जाए सलीम अली बर्ड सेंचुरी जो है वो कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, उसका आंसर होगा गोवा। दोनों को कन्फ्यूज़ नहीं करना है आपको, जो सलीम अली नेशनल पार्क है वो है जम्मू एंड कश्मीर, सलीम अली बर्ड सेंचुरी जो है वो है गोवा में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टेट आती है हमारी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो नेशनल पार्क है उसके लिए हमारी जो ट्रिक है वो है हिमा ईटिंग खीर,
शी लॉस्ट हर सिम्पन, जो हिमा है उसने खीर खाई, यानी कि हिमा से क्या बनेगा हमारा, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। उसके बाद उसने क्या खाया, खीर खाई, खीर से क्या बनेगा हमारा, खीर गंगा नेशनल पार्क। उसके बाद शी लॉस्ट हर सिम्पन, यानी कि उसने जो अपना सिम्पन था वो खो दिया था, यानी कि अपना जो आपा था वो आपने आपको खो दिया था उस खीर के स्वाद में, ये इसका मतलब होगा सिम्पन का। सिम से बनेगा हमारा सिंबलवाला नेशनल पार्क, और जो पिन है इसके बाद, सिम के बाद इसके बनेगा, इससे बनेगा हमारा पिन वैली नेशनल पार्क का। उसके बाद एंड इंद्र देवता गोट एंग्री ऑन हर, जो इंद्र देवता है वो नाराज हो जाता है हिमा से, यानी कि इंद्र देवता से क्या बनेगा हमारा इंद्र किला नेशनल पार्क। ये टोटल नेशनल पार्क है इंडिया में जो हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। मैं आपके लिए जो ट्रिक है वो रिपीट कर देता हूँ, हिमा ईटिंग खीर, शी लॉस्ट हर सिम्पन एंड इंद्र देवता गोट एंग्री ऑन हर। हिमा से बनेगा ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, खीर से बनेगा खीर गंगा, उसके बाद सिम से बनेगा सिंबल बारा, पिन से बनेगा पिन वैली, इंद्र देवता से बनेगा इंद्र किला नेशनल पार्क। नेक्स्ट स्टेट आती है इंडिया की जिसमें नेशनल पार्क हैं, वो है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के लिए जो हमारी ट्रिक है वो है गुरु महाराज सिया न्यू मूवी सिंगम। जो गुरु महाराज हैं वो एक न्यू मूवी लगी है सिनेमा में, उसको देखने जाते हैं, जिसका नाम है सिंगम, यानी कि गुरु महाराज से क्या बनेगा हमारा, गुरु महाराज नेशनल पार्क का। वो एक न्यू मूवी देखने जाते हैं जिसका नाम है सिंगम, न्यू से क्या बनेगा हमारा, न्योरा नेशनल पार्क का, न्योरा वैली नेशनल पार्क का, ये बनेगा न्यू से। उसके बाद सिंगम जो है इसे बनेगा हमारा सिंगलीला नेशनल पार्क का, सिंगम से बनेगा हमारा सिंगलीला नेशनल पार्क। ही सॉ जेल सीन, जो सिंगम मूवी में एक जेल सीन है उसको देखते हैं जो गुरु महाराज हैं, जो जेल सीन है इससे बनेगा हमारा जल्दा पारा नेशनल पार्क का। उसके बाद इज़ वेरी सुंदर, यानी कि वो बहुत ज़्यादा जो आकर्षित जो सीन था वो था जेल सीन, इनको बहुत ज़्यादा सुंदर लगा जो गुरु महाराज थे, यानी कि सुंदर से बनेगा हमारा सुंदरबन नेशनल पार्क का। और उसके बाद जो मूवी है उसने बॉक्स ऑफिस पर हिट किया, यानी कि बॉक्स से क्या बनेगा हमारा, बक्सा नेशनल पार्क का। इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है बक्सा नेशनल पार्क का। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में रिपीट होता है, सो आपने याद रखने हैं, वैसे तो सारे याद रखने हैं आपने, बट बक्सा नेशनल पार्क का नाम आपको भूलना नहीं है। मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ इस पूरी ट्रिक को और नेशनल पार्क को। गुरु महाराज, गुरु महाराज से बनेगा गुरु महाराज नेशनल पार्क, उसके बाद न्यू से बनेगा न्योरा वैली, उसके बाद सिंगम से सिंगलीला, जेल से जल्दापारा, सुंदर से सुंदरबन, और बॉक्स से बनेगा बक्सा नेशनल पार्क का। ये टोटल नेशनल पार्क्स हैं जो वेस्ट बंगाल में लोकेटेड हैं, याद रखिए, ये काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते रहते हैं वेस्ट बंगाल वाले, सो आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में टोटल तीन ही नेशनल पार्क्स हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से हैं वो मैं आपको यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से याद करवा देता हूँ। आपके लिए जो ट्रिक है वो है आ गुरु सवा गर्ल इंद्रावती। जो गुरु थे एक, यानी कि जैसे टीचर होते हैं हमारे, उसी तरह पहले ज़माने में होते थे गुरु। उन्होंने एक गर्ल को देखा जो क्लास में बैठी थी, वो चैटिंग कर रही थी किसके साथ हैं, उसके बाद वो उसके साथ गुस्सा हो जाते हैं जो गुरु महाराज हैं। सबसे पहले आपने याद रखना है गुरु से बनेगा हमारा आ गुरु सा गर्ल, यानी कि गुरु से क्या बनेगा, गुरु घासीदास नेशनल पार्क का। उसके बाद उन्होंने एक गर्ल को देखा, लड़की को देखा क्लास में, जिसका नाम था इंद्रावती। इंद्रावती से बनेगा हमारा इंद्रावती नेशनल पार्क का। उसके बाद वो चैटिंग कर रही थी, जो गुरु थे वो एंग्री हो जाते हैं, यानी कि गुस्सा हो जाते हैं उस इंद्रावती से, यानी कि एंगर से बनेगा हमारा कंगर नेशनल पार्क का। यहाँ से आपको मिल रही होगी जो सेंस मिल रही होगी अंगर की, यानी कि यहाँ से बनेगा हमारा कंगर नेशनल पार्क का। मैं रिपीट कर देता हूँ, आ गुरु आ सा गर्ल इंद्रावती इन क्लास शी वाज चैटिंग एंड ही वाज एंगर ऑन हर। गुरु से बनेगा गुरु घासीदास नेशनल पार्क, इंद्रावती से इंद्रावती नेशनल पार्क, एंगर से बनेगा हमारा कंगर नेशनल पार्क का। ये टोटल तीन नेशनल पार्क्स हैं जो छत्तीसगढ़ में लोकेटेड हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिए। नेक्स्ट स्टेट आती है हमारी राजस्थान। राजस्थान में टोटल चार नेशनल पार्क्स हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी बार रिपीट होते रहते हैं राजस्थान वाले। राजस्थान के लिए जो हमारी ट्रिक है वो है आ की लेडी। एक की लेडी थी, केम टू राजस्थान, वो राजस्थान में आती है। राजस्थान से हमें क्लियर हो जाता है कि ये जो ट्रिक है वो किसके लिए है, वो राजस्थान के लिए है। आ की लेडी केम टू राजस्थान टू सी डेजर्ट, यानी कि वो आती है डेजर्ट को देखने के लिए। शी फील्स इन रिस्क, उसको रिस्क फील होता है राजस्थान में आने के बाद। उसके बाद जो वहाँ पे एक लड़का था जिसका नाम है रंथम,
उसने उसकी जो लाइफ है वो सेव करी, यानी कि उसका जीवन बचाया। उस ही सेव्स हिज लाइफ हर लाइफ, यानी कि की लेडी से क्या बनेगा हमारा, क्यो लाडियो नेशनल पार्क का, क्यो लाडियो नेशनल पार्क का बनेगा की लेडी से। वो आती है राजस्थान, राजस्थान के लिए हमारी ट्रिक है की लेडी वाली, आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद डेजर्ट आता है, डेजर्ट से बनेगा हमारा डेजर्ट नेशनल पार्क का। उसके बाद शी फील्स इन रिस्क, वो फील करती है रिस्क में, रिस्क से बनेगा हमारा सरिस्का नेशनल पार्क का। ये देखिए ये रिस्क बन रहा है यहाँ पे, ऐसे लिंक करके आपने याद रखना है, रिस्क से बनेगा हमारा सरिस्का नेशनल पार्क का। रंथम जो उसने लाइफ सेव करी थी उसकी की लेडी की, रंथम ने, यानी कि रंथम से बनेगा हमारा रंथंभौर नेशनल पार्क का। ये टोटल चार नेशनल पार्क्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं राजस्थान में, ये आपने याद रखना है। काफ़ी एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं ये सारे के सारे, सो आपने याद रखना है, मैं रिपीट कर देता हूँ। आ की लेडी केम टू राजस्थान टू सी डेजर्ट, शी फील्स इन रिस्क एंड रंथम सेव्स हर लाइफ। की लेडी से क्यो लेडी नेशनल पार्क राजस्थान से पता लग गया कि हमें जो नेशनल पार्क याद कर रहे हैं हम कौन से हैं, राजस्थान के। उसके बाद डेजर्ट से डेजर्ट नेशनल पार्क, रिस्क से सरिस्का नेशनल पार्क, रंथम से रंथंभौर नेशनल पार्क का। उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेट आती है कर्नाटका स्टेट। कर्नाटका स्टेट में जो पांच नेशनल पार्क्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, सो आपने याद रखने हैं। इसके लिए जो हमारी ट्रिक है वो है अनुष्का टैम इज़ बैन, जो अनुष्का की टीम है, जो विराट कोहली की घरवाली है, पत्नी है, उसकी जो टीम है वो आईपीएल के लिए बैन हो जाती है। अनुष्का से क्या बनेगा हमारा अंशी नेशनल पार्क का। ये बैन वगैरह वाली कोई बात नहीं है, बट आपको याद करवाने के लिए ट्रिक चुनी गई है। इससे आपको सारे के जो सारे नेशनल पार्क हैं वो याद हो जाएंगे, बस इसका मोटिव ये है आपको सारे के सारे नेशनल पार्क्स को याद करवाना, कौन सा नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आपने आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, जब सारी की सारी जो स्टेट हैं वो कवर हो जाएंगी। सबसे पहले अनुष्का से बनेगा हमारा अंशी नेशनल पार्क, अनुष्का टीम इज़ बैन, बैन से बनेगा हमारा बांदीपुरा नेशनल पार्क, बैन से बनेगा बांदीपुरा नेशनल पार्क। आईपीएल से क्या हो जाते हैं, बैन हो जाते हैं। उसके बाद मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होते हैं क्योंकि क्योंकि जो टीम है अनुष्का की वो बैन हो जाती है, बट उनकी जो टीम है मुकेश अंबानी की वो खेल रही है, ये इसलिए ये हैप्पी होते हैं, काफ़ी खुश होते हैं मुकेश अंबानी। अंबानी से बनेगा हमारा बानी से बनेगा भनरगट्टा नेशनल पार्क का, भनरगट्टा नेशनल पार्क बनेगा बानी से, इज़ वेरी हैप्पी। उसके बाद एंड प्लेइंग डांडिया इन द नगर ऑफ कर्नाटका, यानी कि वो खेल रहे हैं डांडिया, डांडिया एक डांस होता है आप सभी को पता है, ये खेल रहे हैं डांडिया, यानी कि खुशी मना रहे हैं, डांडिया से बनेगा हमारा दंडेली नेशनल पार्क इन द नगर ऑफ कर्नाटका, जो कर्नाटका नगर है वहाँ पे ये डांडिया खेल रहे हैं, यानी कि नगर से क्या बनेगा हमारा नागरहोल नेशनल पार्क। ये सारी की सारी ट्रिक हैं कर्नाटका के नेशनल पार्क्स को याद करने के लिए। मैं रिपीट कर देता हूँ, अनुष्का टीम इज़ बैन, अनुष्का से अंशी नेशनल पार्क, बैन से बांदीपुरा नेशनल पार्क फ्रॉम आईपीएल। मुकेश अंबानी इज़ वेरी हैप्पी, अंबानी से बनेगा बन्नरघट्टा नेशनल पार्क, इज़ वेरी हैप्पी एंड प्लेइंग डांडिया, डांडिया से बनेगा दंडेली नेशनल पार्क इन नगर ऑफ कर्नाटका, नगर से बनेगा हमारा नागरहोलन नेशनल पार्क। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट आती है हमारी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ये सारे नेशनल पार्क हैं, ये टोटल पांच नेशनल पार्क हैं जो महाराष्ट्र के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके लिए हमारी जो ट्रिक है वो है चंडेली केम टू नवेगांव, यानी कि जो चंडेली थी एक तरह की चंडेल थी वो आती है नवेगांव में फॉर मर्डरिंग संजय गांधी, संजय गांधी को मारने के लिए, मर्डर करने के लिए। बट गुगामल महाराज जो हैं उन्होंने इसकी जो संजय गांधी है इसकी लाइफ को सेव किया तड़ोब्बा के साथ। जैसे आपने देखा होगा जो पुराने ग्रंथी वगैरह होते थे उनके पास एक लंबी सारी जो छड़ी सी होती थी उसको बोलते थे तड़ोब्बा, वो उसके साथ सेव करी संजय गांधी की लाइफ जो गुगामल महाराज हैं। यानी कि इस ट्रिक को हम देखते हैं कैसे अप्लाई करना है। चंडेली केम टू नवेगांव, चंडेली जो है ये नवेगांव में आती है, चंडेली से बनेगा हमारा चंडेली नेशनल पार्क का। उससे बाद नवेगांव, नवेगांव में आती है, नवेगांव से बनेगा नवेगांव नेशनल पार्क का। उसके बाद मर्डरिंग संजय गांधी, संजय गांधी को मारने के लिए आती है, मर्डर करने के लिए आती है, इसलिए संजय गांधी से बनेगा हमारा संजय गांधी नेशनल पार्क का। पहले मैं आपको बता दूं, एक मैंने आपको संजय नेशनल पार्क भी बताया था, वो आपने मुझे बताना है मैंने आपको कौन सी स्टेट में बताया था, जो संजय नेशनल पार्क बताया था आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है बट गुगमल महाराज सेव्स हिज लाइफ, जो गुगमल महाराज जो हैं इन्होंने
लाइफ सेव करी संजय गांधी की। गुगामल से बनेगा हमारा गुगामल नेशनल पार्क, तड़ोबा से बनेगा हमारा तड़ोबा नेशनल पार्क। ये ट्रिक है महाराष्ट्र के नेशनल पार्क्स को याद करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट्स आती हैं। नेक्स्ट जो स्टेट हैं वो हैं जिसमें एक या फिर दो नेशनल पार्क हैं। उसके लिए आपको याद करने के लिए कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक दो नेशनल पार्क तो हमें इजीली याद हो जाते हैं, किसी भी स्टेट का हो चाहे वो। बट जब चार से पांच नेशनल पार्क हो जाते हैं तब हमें याद करने पॉसिबल नहीं होते हैं, मुश्किल होते हैं। उनके लिए मैंने आपको सारी की सारी ट्रिक बता दी हैं। उसके बाद जो स्टेट आती है वो है बिहार। बिहार में ओनली एक ही नेशनल पार्क है जो है वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्ज़ाम में रिपीट होता रहता है। सो आपने याद रखना है वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है, बिहार में लोकेटेड है। ये एकमात्र इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो बिहार में लोकेटेड है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में दो नेशनल पार्क हैं, एक का नाम तो है नमडफा नेशनल पार्क और मौलिंग नेशनल पार्क। नमडफा नेशनल पार्क और मौलिंग नेशनल पार्क लोकेटेड हैं अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद हरियाणा में दो नेशनल पार्क हैं, एक का नाम है कलेसर नेशनल पार्क, एक का नाम है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। कलेसर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। उसके बाद नागालैंड। नागालैंड में एक नेशनल पार्क है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटांकी नेशनल पार्क। इंटांकी नेशनल पार्क जो है ये नागालैंड में लोकेटेड है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में रिपीट होता रहता है। सो आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मिज़ोरम। मिज़ोरम में जो लोकेटेड है वो है मुरलेन नेशनल पार्क। मुरलेन नेशनल पार्क पूछा जाता है कौन सी स्टेट में है, उसका आंसर होगा मिज़ोरम। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट आती है सिक्किम। सिक्किम में नेशनल जो पार्क है वो है कंचनजंगा नेशनल पार्क। आपसे पूछा जाता है जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है वो इंडिया की कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, उसका आंसर होगा सिक्किम। नेक्स्ट बात आती है मेघालय। मेघालय में दो नेशनल पार्क काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोकरेक और बलबक्रम नेशनल पार्क। नोकरेक और बलबक्रम नेशनल पार्क जो हैं ये मेघालय में लोकेटेड हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी ज़्यादा रिपीट में होते रहते एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। सो आपने याद रखने हैं। उसके बाद चार पांच स्टेट और बचती हैं जिसमें जो एक एक नेशनल पार्क है या फिर दो दो नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट स्टेट है हमारी झारखंड। झारखंड में एक नेशनल पार्क है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेतला नेशनल पार्क। बेतला नेशनल पूछा जाता है पार्क जो किस स्टेट में लोकेटेड है, उसका आंसर होगा झारखंड। उत्तर प्रदेश में दो नेशनल पार्क हैं जो काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क और दुधवा नेशनल पार्क। चंद्रप्रभा नेशनल पार्क और दुधवा नेशनल पार्क। उसके बाद गोवा में एक ही नेशनल पार्क है जो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में रिपीट रहता है, ज़्यादातर ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा जाता है जो गोवा वाला है, इसका आंसर होगा गोवा भगवान महावीर या फिर मुलायम नेशनल पार्क। यानी कि भगवान महावीर नेशनल पार्क को ही एक नाम और दिया जाता है मुलायम नेशनल पार्क। आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, अगर आपको मुलायम नेशनल पार्क का नाम दिया जाए तो भी आपने गोवा मार्क करना है, अगर भगवान महावीर का नाम दिया गया है तो भी आपने गोवा को मार्क करना है, क्योंकि एक ही नेशनल पार्क के दो नाम हैं, आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट आती है हमारी असम। असम में दो तीन नेशनल पार्क हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, काजीरंगा मानस डिब्रू सैखोवा। ये तीन नेशनल पार्क हैं जो लोकेटेड हैं असम में, काजीरंगा मानस एंड डिब्रू सैखोवा, तीनों नेशनल पार्क हैं असम के। उसके बाद गुजरात। गुजरात का नेशनल पार्क दो हैं जो काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते रहते हैं, सुपर इंपॉर्टेंट है जो गुजरात वाले हैं, ब्लैक बक और गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क। ब्लैक बक नेशनल पार्क और गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क जो हैं वो दोनों लोकेटेड हैं गुजरात में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लैक बक और गिर फॉरेस्ट ये काफ़ी ज़्यादा रिपीट रहते हैं एग्जाम में। उसके बाद केरला। केरला में भी दो नेशनल पार्क हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। नेक्स्ट देख लेते हैं जो दो चार और बचते हैं, कौन कौन से नेशनल पार्क बचे हैं हमारे। तमिलनाडु। तमिलनाडु में दो नेशनल पार्क हैं, एक का नाम है मुदुमलाई नेशनल पार्क, एक का नाम है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। मुदुमलाई नेशनल पार्क और इंदिरा गांधी नेशनल पार्क ये दोनों लोकेटेड हैं तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश में दो नेशनल पार्क हैं जिसका नाम है एक का पेपीगोंडा, एक का नाम है राजीव गांधी नेशनल पार्क। ये दोनों लोकेटेड हैं आंध्र प्रदेश में, पेपीगोंडा नेशनल पार्क और राजीव गांधी नेशनल पार्क। त्रिपुरा में दो नेशनल पार्क हैं जो काफ़ी ज़्यादा रिपीट रहते हैं एग्जाम में, राजबाड़ी और क्लाउड लेपर्ड नेशनल पार्क। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा रिपीट रहते हैं एग्जाम में, सो आपने याद रखना है राजबाड़ी और क्लाउडेड लेपर्ड, ये दोनों लोकेटेड हैं त्रिपुरा में। उसके बाद तेलंगाना। तेलंगाना में जो एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है मरुगावनी नेशनल पार्क। मरुगावनी नेशनल पार्क पूछा जाता है वो है तेलंगाना में। उसके बाद अंडेमान एंड निकोबार। अंडेमान एंड निकोबार में
तीन नेशनल पार्क हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रानी झांसी नेशनल पार्क, महात्मा गांधी नेशनल पार्क और माउंट हैरियत नेशनल पार्क। ये तीन नेशनल पार्क हैं जो अंडेमान एंड निकोबार में लोकेटेड हैं, रानी झांसी नेशनल पार्क, महात्मा गांधी और माउंट हैरियत नेशनल पार्क। ये सारे के सारे जो हैं वो नेशनल पार्क हैं जो काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम्स में रिपीट रहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो नेशनल पार्क के नाम हैं वही नाम है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के। इससे आपको आसानी हो जाएगी, अगर आपको ये सारे के सारे नेशनल पार्क्स के नाम याद हो गए हैं तो आप ये मान सकते हो कि आपको आधे से ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के नाम भी याद हो चुके हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो नेशनल पार्क्स के नाम हैं वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के नाम भी हैं और उसी स्टेट में लोकेटेड है जिस स्टेट में नेशनल पार्क लोकेटेड है। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके बाद हम देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। आपसे पूछा जाता है टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ इंडिया में कितनी हैं, वो है 543। 543 टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं इंडिया में। सबसे पहले तो आपने यही क्वेश्चन याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं इन्होंने कितना एरिया जो है वो घेरा हुआ है इंडिया का, जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो है 118,918 किलोमीटर। ये टोटल एरिया है, ये स्क्वायर किलोमीटर है, ये एरिया टोटल घिरा हुआ है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ ने इंडिया में। उसके बाद आपसे पूछा जाता है सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ इंडिया की कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, उसका आंसर होगा अंडेमान एंड निकोबार। अंडेमान एंड निकोबार में टोटल 96 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, इसलिए ये सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ वाली स्टेट है, सॉरी यूटी है। सो आपने याद रखना है अंडेमान एंड निकोबार। पूछा जाता है कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ लोकेटेड हैं, उसका आंसर होगा 96, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद देखते हैं हम कौन कौन सी जो इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं और कौन कौन सी एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं बार बार। सबसे पहले देखते हैं हम आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, काफ़ी ज़्यादा रिपीट रहती हैं एग्ज़ाम में। एक का नाम है कोलेरू बर्ड सेंचुरी, ये एक बर्ड सेंचुरी है, आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और बर्ड सेंचुरीज़ में। ये कोलेरू बर्ड सेंचुरी है और कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये दोनों लोकेटेड हैं आंध्र प्रदेश में। मेरे हिसाब से ये दोनों क्वेश्चन 5-6 बार रिपीट हो चुके हैं एग्ज़ाम में, 5 से 6 बार। सो आपने याद रखना है कोलेरू बर्ड सेंचुरी और कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों लोकेटेड हैं आंध्र प्रदेश में। उसके बाद नेक्स्ट आती है स्टेट हमारी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में है पक्के टाइगर रिजर्व, एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है पक्के टाइगर रिजर्व। ये क्वेश्चन आपने काफ़ी एग्ज़ाम में देखा होगा, ये काफ़ी ज़्यादा रिपीट रहता है एग्ज़ाम में। सो आपने याद रखना है पक्के टाइगर रिजर्व जो है ये लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद नेक्स्ट आती है दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये भी है। उसके बाद टालेवली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी है, ये तीनों हैं अरुणाचल प्रदेश में। पक्के टाइगर रिजर्व, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टैली वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये तीनों लोकेटेड हैं अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट आती है हमारी असम। असम में दो हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में रिपीट रहती हैं, सुपर इंपॉर्टेंट है, ये आप याद करके रखिए, आपको किसी ना किसी एग्ज़ाम में ये जरूर हेल्प देंगे असम वाले। असम में दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, एक का नाम है गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, एक का नाम है सुनई रुपई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सुनई रुपई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों लोकेटेड हैं असम में। उसके बाद नेक्स्ट चंडीगढ़। चंडीगढ़ में दो हैं, एक का नाम है सिटी बर्ड्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक का नाम है सुखना लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों लोकेटेड हैं चंडीगढ़ में। एक दिल्ली में भी लोकेटेड है जिसका नाम है असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये है न्यू दिल्ली में, ये भी आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है, सो आपने याद रखना है असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो है दिल्ली में। नेक्स्ट स्टेट आती है हमारी हरियाणा। हरियाणा में भी दो लोकेटेड हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, एक का नाम है बिंदावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक का नाम है खप्परवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। कैसे याद करोगे आप, वास वास है जिसके पीछे, वो है हरियाणा में। हरियाणा में दोनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में रिपीट रहती हैं, बिंदावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और खप्परवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, ये दोनों लोकेटेड हैं हरियाणा में। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में एक ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये लोकेटेड है जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं झारखंड। झारखंड में दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरियाँ, एक का नाम है पलामू टाइगर रिजर्व, एक का नाम है हाजीरबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये पलामू टाइगर रिजर्व जो है, ये क्वेश्चन आप सभी ने देखा होगा, 4 से 5 बार रिपीट हो चुका है एसएससी के वेरियस एग्जाम में। सो आपने याद रखना है झारखंड में लोकेटेड है जो पलामू टाइगर रिजर्व है और हाजीरबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। उसके बाद मिज़ोरम।
मिजोरम के में की टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है डम्पा टाइगर रिजर्व। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है, सो आपने याद रखना है जो डम्पा टाइगर रिजर्व है ये भी लोकेटेड है मिजोरम में। ये सारी की सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं। इससे पहले जो मैंने आपको नेशनल पार्क्स के नाम बताए हैं बस आपने वो याद रखने हैं, और उसके बाद आपने ये सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के नाम याद रखने हैं। सारे के सारे आपके जो इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होंगी और नेशनल पार्क्स होंगे वो कवर हो जाएंगे इन दोनों के हिसाब से। यानी कि काफ़ी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के नाम होते हैं वो नेशनल पार्क्स के नाम पर ही रखे जाते हैं और उसी पर्टिकुलर स्टेट में लोकेटेड होते हैं, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। पिछले 7 से 8 सालों का जो मैंने पेपर उठा के देखे हैं इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, सो आपने यही याद रखने हैं जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्योंकि वैसे तो मैंने आपको बताया था 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं इंडिया में जो कि याद करनी पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको जो इम्पोर्टेंट वाली हैं वही याद रखनी है। अब हम डिस्कस करते हैं जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इंडिया में कौन कौन से हैं और कौन सी स्टेट में लोकेटेड है और किस पर्टिकुलर एनिमल के लिए फेमस हैं कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इंडिया में जो टोटल बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो हैं 18। 18 टोटल बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इंडिया में। आपसे ये क्वेश्चन 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है, सो आपने याद रखना है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं जो कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सी स्टेट में लोकेटेड है और कौन से जानवर के लिए वो जाना जाता है, यानी कि जो पर्टिकुलर बायोस्फीयर रिजर्व है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। जो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है ये हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। कैसे याद करोगे आप इसको? सबसे पहले आपने याद रखना है जो हिमाचल प्रदेश है यहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा क्या है, कोल्ड है, ठंडा इलाका है। जैसे आप याद करोगे ऐसे याद हो जाएगा आपको हमेशा के लिए, हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या है, कोल्ड। या इससे हमें याद हो गया कि कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये स्नो लेपर्ड के लिए जाना जाता है, ये आपने याद रखना है, स्नो लेपर्ड के लिए जाना जाता है जो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है, आपसे पूछा जाता है कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व स्नो लेपर्ड के लिए जाना जाता है, उसका आंसर होगा कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। उसके बाद नेक्स्ट आता है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। जो नंदा देवी है, जैसे मैंने आपको जब मैंने आपको करवाए थे नेशनल पार्क वहाँ पर मैंने आपको ट्रिक बताई थी नंदा देवी वाली, यानी कि जो राजा था वो नंदा देवी को प्रपोज करता था, वो कौन सी स्टेट में था, वो उत्तराखंड में था। ऐसे आपको काफ़ी सारे जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे उस ट्रिक के माध्यम से। सो आपने याद रखना है जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है वो है उत्तराखंड में। ये जो ब्लू वाले हैं ये आपने याद रखने हैं, ये जो सारे के सारे हैं ब्लू वाले ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। आपने ये भी याद रखना है, आपसे पूछा जाता है कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर नहीं हुआ है प्रेजेंट टाइम तक, यानी कि 2019 तक, दिए गए 4 ऑप्शन में से। ऐसे क्वेश्चन घुमा के एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने भी जो भी ब्लू कलर में बायोस्फीयर रिजर्व के नाम लिखे गए हैं वो सारे के सारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर हो चुके हैं। आपने ये सारे ऐसे के ऐसे ही याद करने हैं। उसके बाद कंचनजंगा, जैसे मैंने आपको नेशनल पार्क भी बताया था कंचनजंगा कौन सी स्टेट में था, वो था सिक्किम में, वही बायोस्फीयर रिजर्व भी है एक सिक्किम में, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। जो दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व है ये है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है बायोस्फीयर रिजर्व जिसका नाम है दिहांग दिबांग। उसके बाद दिब्रू सैखोवा एंड मानस, ये मैंने आपको बताया था असम में दोनों नेशनल पार्क भी हैं और ये इनों के नाम भी बायोस्फीयर रिजर्व भी हैं, यानी कि ये दोनों नेशनल पार्क भी हैं और बायोस्फीयर रिजर्व भी हैं असम में, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद नोकरेका, जो नोकरेका है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में रिपीट होता है। ये मेघालय में लोकेटेड है और रेड पांडा के लिए जाना जाता है। आपसे पूछा जाता है कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व रेड पांडा के लिए जाना जाता है, उसका आंसर होगा नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। ये आपने याद रखना है, इसकी स्टेट भी याद रखनी है कौन सी स्टेट में है, मेघालय में। ये दोनों जो हैं ये वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस प्राप्त हैं, ये भी आपने याद रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको इसको जो आपका मोबाइल है उस पर आपको डेस्कटॉप पर लगाना है, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे कि कौन सा जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस प्राप्त है और कौन सा नहीं है। आपको अपने मोबाइल के डेस्कटॉप स्क्रीन पर लगाना है इस पूरे स्क्रीनशॉट को।
आपको मेरे हिसाब से 2 दिन में सारे के सारे जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं वो याद हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है सुंदरबंस। सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये है वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, और ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। आपसे पूछा जाता है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व जाना जाता है, उसका आंसर होगा सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं सिमलीपाल। सिमलीपाल जैसे मैंने आपको ट्रिक बताई थी उड़ीसा के लिए भीतर आओ सिमलीपाल, वही ट्रिक यहाँ पर भी आपकी वैलिड है, यानी कि आपको पता चल जाएगा कि जो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है वो कौन सी स्टेट में है, वो उड़ीसा में लोकेटेड है, और नेशनल पार्क भी कहाँ है वो भी उड़ीसा में है। आपको नेशनल पार्क वाली जो ट्रिक वाली वीडियो है वो जो मैंने इससे पहले डिस्कस किए हैं वो काफ़ी ज़्यादा फायदे देंगे। उसके बाद शेषाचलम, शेषाचलम जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये कौन सी स्टेट में है, ये है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में है शेषाचलम। उसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व ये तमिलनाडु में लोकेटेड है, ये एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, आई थिंक 2013, 2013-14 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। आपसे पूछा गया था जो ड्यूगोंग और सीकाओ है इसके लिए कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है जो जाना जाता है, उसका आंसर होगा गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, और ये लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का, ये भी आपने याद रखना है। आपसे पूछा जाता है जो लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का वो कौन सा है, उसका आंसर होगा गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। उसके बाद नेक्स्ट आता है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है ये 3 स्टेटों में लोकेटेड है, यानी कि 3 स्टेट में थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का। ये है एक तो तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका, इन तीनों का हिस्सा है जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का है। ये पूछा जाता है जो ओल्डेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का वो कौन सा है, उसका आंसर होगा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये 1986 में बना था, ये भी आपने याद रखना है, 1986 में बना था ये ओल्डेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। उसके बाद नेक्स्ट आता है अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व। अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये केरला और तमिलनाडु में लोकेटेड है, तमिलनाडु और केरला के हिस्से में लोकेटेड है जो अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व है। उसके बाद नेक्स्ट आता है पन्ना। पन्ना और पंचमोरी ये दोनों लोकेटेड हैं मध्य प्रदेश में। जो पंचमोरी है इसको वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस प्राप्त है, बट जो पन्ना है इसको प्राप्त नहीं है वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस, जो पंचमोरी है इसको प्राप्त है वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस। नेक्स्ट है अचना कमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस प्राप्त है। ये सारे के सारे जो ब्लू में लिखे गए हैं इन सभी को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस दिया गया है। नेक्स्ट भी डिस्कस कर लेते हैं, जो बचते हैं हमारे दो जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं, एक तो है ग्रेट रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, ये है गुजरात में। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा रिपीट होता है एग्जाम में, सो आपने याद रखना है। आपसे पूछा जाता है कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व इंडियन वाइल्ड एक्ट के लिए जाना जाता है, उसका आंसर होगा गुजरात में जो लोकेटेड है ग्रेट रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व। उसके बाद नेक्स्ट आता है लास्ट ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, अंडेमान एंड निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व में लोकेटेड है, जो अंडेमान एंड निकोबार में लोकेटेड है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, ये जाना जाता है साल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। आप सारे सोच रहे होंगे कि मैंने आपको टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व बताए थे, बट आपने यहाँ पर 16 ही डिस्कस किए हैं। इसका कारण ये है, यहाँ पर देखिए मैंने आपको दो दो इकट्ठे बता दिए हैं, या कि जैसे मध्य प्रदेश में दो यहाँ पर लोकेटेड हैं पंचमोरी और पन्ना, इससे पहले भी मैंने आपको दो जो बायोस्फीयर रिजर्व थे वो एक साथ बताए थे ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे, एक ही स्टेट में दो जो बायोस्फीयर रिजर्व थे इसीलिए मैंने आपको एक साथ बता दिए थे। बट आपको याद रखने हैं टोटल जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं इंडिया के वो हैं 18। सो ये थे सारे के सारे नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जो हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, ताकि जो भी कैंडिडेट्स किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो पहुँच सके। आप इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो आपको डेफिनेटली फ़ायदा देगी ये वीडियो, क्योंकि इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क थे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थी या फिर बायोस्फीयर रिजर्व थे, सारे के सारे बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं। जैसे मैंने आपके लिए कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बता दिया टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, उसके बाद कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस प्राप्त है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, ये सारे के सारे ही क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं बार बार। इससे बाहर क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट नहीं होता है, यानी कि इससे बाहर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। बस आपको जितना करवाया गया है बस आपको इतना ही याद रखना है, इससे बाहर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप
डायरेक्ट उसमें ऐड हो सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो, और इस वीडियो को देखने के बाद इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और आप कौन सी वीडियो और चाहते हो, किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो, इसका कमेंट आपने नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने हमारा चैनल वाईफाई एजुकेशन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। और आप मुझसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हो, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहाँ से आप डायरेक्ट विजिट कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप सपोर्टिंग वाईफाई एजुकेशन।